स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। मैं गांव में हूँ और जैसा कि आप देख पा रहे हैं सवेरे का समय है। ये था कुछ धान की झलकियाँ और धान इस बार काफ़ी अच्छा हुआ है। कहीं कहीं का धान थोड़ा सा इसमें कीड़ा लग गया है, बट मोस्ट ऑफ ऑल जो धान जो है ना हर जगह का अच्छा ही हुआ है। और सुबह का जो मौसम है ना काफ़ी सुहाना है आज, मस्त धूप भी काफ़ी अच्छा है और गांव में तो ये अच्छा ये वाइब हमें मिलता ही है। और हम लोग जा रहे हैं अभी तालाब, मैं आनंद के साथ हूँ, आनंद आगे है, वो पैरा लेकर जा रहा है। तो हुआ एक्चुअली ये है कि हमारा जो तालाब है, तालाब में एक जगह पर केकड़ा क्रस्ट जो होता है ना, केकड़ा वो छेदा कर दिया, तो उसी को बंद करने के लिए जा रहे हैं अपन। और उसकी वजह से जो है पानी जो है लगातार कम हो जा रहा है तालाब का, और कुछ मछली वगैरह भी है। तो अगर पानी कम होगा तो कुछ बच्चे भी मछली पकड़ने आते हैं, पानी कम रहता है तो ऑब्वियसली क्या है ना लोग पकड़ लेते हैं, पकड़ पाते हैं मछली। तो चलिए चलते हैं। पानी आपको भले लग रहा है कम है, लेकिन ठंड जो है ना बहुत तेज़ है, काफ़ी तेज़ है ठंड है। क्या कहेंगे, ये शायद आप देखिए ये है केकड़ा, इसको क्रैश बोलते हैं। मछली पकड़ने के लिए लगाया जाता है इसको, तो आइए देखते हैं इसमें शायद मछली होगा। ऐसा हिलाया जाता है ये, तो फिलहाल मछली तो कुछ है नहीं, एक मछली दिख रहा था ये बस, और बाकी तो ये लोग दिख रहे थे, तो इसको अंदर फिर से अपन डाल देते हैं और डाल देते हैं। ओ अपना तो है नहीं, गांव में ऐसे जब ठंड के टाइम में ना मेड़ में ऐसे मछली पकड़ने के लिए बनाते हैं, ऐसे लगाया जाता है, तो उसमें अभी जो देखा उसमें तो मछली कुछ था नहीं। और ये रहा तालाब, ये है तालाब और ये वाला, तो पानी इसी की वजह से कम हो जा रहा है। और आनंद देखिए मेहनत तो कर रहा है, अब इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है, कितना ज़्यादा वो है। तो ये पहले जो है इतना नहीं था यहाँ पर, एक जो है केकड़ा का कमाल है, केकड़ा जो है एक बिल बनाया होगा और बिल जो है यहाँ पर ये इतना बड़ा ऐसा हो गया। एक्चुअली इसको गर्मी में ही इस बार जो है इसको ठीक किया हुआ था। आधा लगभग बंद किया जा चुका है, हो गया इसने खींचना, बस चलो हो गया। तो दो कमल फूल हो गया, ये दो कमल फूल ले लिए अपन, और ये देख पा रहे हैं कितना मस्त। तो चलिए अब चलते हैं घर की ओर, और हो गया है नाश्ते का टाइम, जाके नाश्ता करेंगे और थोड़ा देखते हैं क्या किया जा सकता है। फिर से ब्लॉग के कंटिन्यूशन में स्वागत है। मैं अभी मिलाना चाहूँगा हमारे तीन नमूने, एक टोपीधारी, एक ऊपर बैठा है इसका नाम अवतार, एक हीरो ये है। तो चैनल का जो नाम है ना पहुना
अभी सर्च करते हैं 90 90 ठीक है, सब्सक्राइब तो करना है इधर, सब्सक्राइब कर देंगे। बोलो भाई क्या बोले, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, तो करो कैसे, नहीं है बोलने के लिए कुछ, लाइक कर नहीं है, हां तो बोलना है ना, हां लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे भाई इधर इधर बोलो, हां इधर इधर इधर, हां इधर इधर। मैं नहा वहा के रेडी हो गया हूँ और आया हूँ दादी के घर, और अभी एक और दादाजी लोग आए हैं मछली लेने। अच्छा। तो चलिए मछली गगन लेके आ रहा है। तो यार तो बड़ा सा है यार, कब पकड़ा था भाई? आज सवेरे पकड़े, आज सवेरे पकड़े हैं। एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये आप देखिए, इसको ये देख पा रहे हैं जो लोग, जानते हैं क्या है इसको, गांव में इसको क्या बोलते हैं दादी? चकोतरा डम, चकोतरा डमहा बोलते हैं। और ये अब कई जगह पे तो मिलता भी नहीं है, और ये मार्केट में ये कैसे पता कर, एक तो अगर लेंगे तो 10 रुपये का होगा, बट यहाँ हमारे यहाँ पे घर पे ये चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाती है। तो आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा है ये, इतना बड़ा बड़ा पक गया है, इसका अभी अचार बनाने के लिए रेडी है, इसको जो है तैयार किया जा रहा है अचार बनाने के लिए।